में हमने कवर किया कि टेली में इनवाइस कैसे बनाते हैं और जो इनवाइस बनाते हैं उसमें जीएसटी कैसे इंक्लूड करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। अधिकतर लोग बिल बनाते हैं तो उनको जीएसटी इंक्लूड करना नहीं आता, जीएसटी कैसे काटते हैं वो नहीं आता। केवल हम आपको ये बताएंगे कि टेली में जीएसटी वाला ऑप्शन इनेबल कैसे करते हैं, उसको हम इंक्लूड कैसे करते हैं। बाकी जो अगली वीडियो आएगी हमारी उसमें डिटेल्स में जीएसटी का टॉपिक समझाएंगे, लेकिन इसमें केवल इतना ही बताएंगे कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। बाकी ये वाली वीडियो जो दोस्त आपके कंप्यूटर सीख रहे हैं, जो पे काम करते हैं, उनके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर देना, बहुत ही काम की वीडियो होने वाली उनके लिए। हम बताएंगे टैली में जीएसटी बिल कैसे बनाते हैं, पूरा प्रोसेस इस वीडियो आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपनी क्रिएट करनी है। टैली में कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑल्ट के साथ F3 दबाएंगे, ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे कंपनी इन्फो खुल जाएगा। कंपनी क्रिएट करेंगे, क्रिएट कंपनी में आएंगे और यहाँ पे आके कंपनी क्रिएट कर लेंगे। सपोज हमने यहाँ पे डाल दिया जीएसटी नाम से कंपनी बना ली, जीएसटी यहाँ से कंपनी बना ली और यहाँ पे इसका एड्रेस डाल दिया, हमने डाल दिया उसके नाम मार्केट डाल दिया, मार्केट रुद्रपुर करके हमने यहाँ पे एड्रेस डाल दिया और यहाँ पे इसका हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे स्टेट उत्तराखंड हमने ले लिया। उत्तराखंड लेके हमने यहाँ पे एंटर किया और इसका पिन कोड डाल देंगे, जो भी पिन कोड रहेगा हमारा एंटर करेंगे और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, जो भी कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे मेल आईडी अगर है तो डाल देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम अपना मेलिंग एड्रेस डालते हैं पूरा, यहाँ पे डाल के इसको हम मेल आईडी डाल देंगे यहाँ पे gmail.com, एंटर करेंगे। यहाँ पे फाइनेंशियल डेट रहेगी हमारी वो डाल देना, मेंशन कर देना, एक्सेप्ट कर देंगे, फिर कंपनी बन जाएगी हमारी। कंपनी बनने के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहले यहाँ पे कंपनी बन गई, स्केप करेंगे, बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपनी फीचर में F11 के F3 में आओगे, यहाँ पे आके एंटर करोगे, जीएसटी वाली कंपनी हमने बनाई थी अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है यहाँ पे और एंटर करोगे। सबसे पहले जीएसटी वाला ऑप्शन है इसको यस करना, इसके नेक्स्ट जो जीएसटी डिटेल्स वाला ऑप्शन है इसको भी यस करना। ऑप्शन यस करोगे, यस करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले स्टेट सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे टाइप को नो रहने दें, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेट डाल देंगे जब से जीएसटी एप्लीकेबल हो रही है, हमारा जीएसटी नंबर, तो जीएसटी नंबर में सबसे पहले हमारा होता है पैन कार्ड नंबर हमारा होता है, उसके बाद एरिया कोड होता है, फिर कुछ डिजिट चेंज होते हैं। तो हम यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे अपना, हमारे पास जीएसटी नंबर हमने ऐसे डाल दिया, कोई भी जीएसटी नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये आता है मंथली क्वार्टरली होते हैं। जैसे मंथली होता है, अगर आपको मंथली जीएसटी सबमिट करनी है तो मंथली सिलेक्ट करेंगे, अगर क्वार्टरली मतलब 3 महीने में करना है तो आप क्वार्टरली करोगे, तो हम यहाँ पे मंथली लेते हैं। इसके बाद इसको ईवी बिल वाले ऑप्शन को यस रहने देना, अगर आपको ईवी बिल बनाना है एंटर करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। उसके बाद एंटर एंटर करके यहाँ पे आओगे नीचे, यहाँ पे और नीचे आना आपको, यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को यस कर देना है, सेट जीएसटी अल्टर डिटेल्स वाले ऑप्शन को यस कर देना। अब यहाँ पे कुछ हम डालेंगे नहीं, ऐसे छोड़ देंगे, इसको यस करके एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट करके आगे चले जाएंगे। यहाँ से हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया, स्किप करेंगे, थोड़ा बाहर आएंगे यहाँ से। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, यहाँ पे हम बनाएंगे सेल्स का लेजर बनाने के लिए, यहाँ पे F8 दबाएंगे, F8 से हमारा सेल्स का लेजर बनता है। सबसे पहले यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देंगे, रेफरेंस नंबर है तो डाल देंगे। इसके बाद हमारा पार्टी नेम आएगा, पार्टी नेम हमने ले लिया, जैसे ले लिया हमने अरुण पार्टी नाली हमने, इसको हमने डाल दिया। अगर हम परचेज कर रहे हैं यहाँ पे डिक्रेटर पड़ जाएगा और सेल्स कर रहे हैं तो संडी डेप्टर, तो हम यहाँ पे संडी डेप्टर डालेंगे। सेल्स कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट कर लेंगे SS करके, अगर चाहो तो इसकी कंपनी का एड्रेस डाल सकते हो, जैसे मैंने इसका डाल दिया बदईपुरा रुद्रपुर, यहाँ पे इसको मैं रुद्रपुर से यहाँ ले लिया इसको। हम इंटर इंटर करेंगे, यहाँ पे इसका पिन कोड डाल देंगे, वही पिन कोड 2631 इंटर, और यहाँ पे इसको हम यस करेंगे। डिटेल्स करके अगर इसकी डिटेल्स में पैन कार्ड नंबर वगैरह डालना है तो डाल सकते हो, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, हम कुछ नहीं डालते, इंटर इंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे डिस्पैच डिटेल्स होती है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर डालना होता है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नंबर है तो डाल सकते हो। उसके बाद डिस्पैच थ्रू किसके थ्रू डिस्पैच कर रहे हो तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हो, आप डेस्टिनेशन डाल सकते हो यहाँ पे, और इसके बाद आप ऑर्डर डिटेल्स में पेमेंट टर्म्स डाल सकते हो, आप जो भी डालना आपको डाल देना, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे सेल्स का, सेल्स डालेंगे यहाँ पे, सेल्स अकाउंट ले लिया हमने, इसको हम सेल्स में सिलेक्ट करेंगे, सेल्स अकाउंट हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे एंटर एंटर करेंगे, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इसको यस करना पड़ेगा, इसको यस करेंगे, यहाँ पे डालना है आप, यहाँ पे अप्लीकेबल रहना चाहिए। इसके बाद ये वाला ऑप्शन यस कर लोगे, यस करने के बाद यहाँ पे आओगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपका सेल्स यहाँ पे टैक्सीबल सेलेक्ट कर लेना अपना और यहाँ पे F12 दबाओगे। यहाँ पे F12 दबाने के बाद एक हमें ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे सबसे पहला वाला ऑप्शन यस कर लेना और इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन यस कर लेना, दो ऑप्शन यस करने हैं आपने। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, HSN कोड मिल जाएगा, HSN नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया
सेल्स का बनाना, तो सेल्स डाल देंगे। एसएसएन कोड हमारा हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे इसको हम ले लेंगे, इसका सेल्स टैक्सेबल में ले लेंगे, इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे इसका जीएसटी रेट जो है वो 18% ले लेंगे, एंटर कर लेंगे। अगर सेल्स लगता है तो हमारा 2% हम लगा देंगे, अगर नहीं लगता तो आप छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको केवल टैक्स इंक्लूड करना बता रहे हैं कैसे करते हैं, एंटर करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे आ रहा है टाइप्स, किस टाइप का बिल बना रहे हो, सर्विस बेच रहे हो या आप गुड्स बेच रहे हो। सर्विस मतलब कोई भी सर्विस अगर बेच रहे हो तो सर्विस को सिलेक्ट करोगे, गुड्स मतलब कोई सामान वगैरह बेच रहे हो तो आप गुड्स को सिलेक्ट करोगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सामान बेच रहे हैं तो हम आप गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। गुड्स ले लिया हमने, एंटर किया और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, इस टाइप से हम ले लिया। हम ऑल्ट सी करेंगे, आप कोई आइटम बनाएंगे। सपोज जैसे मान लो हमने यहाँ पे रैम भेज दी, रैम को भेज दिया हमने और इसका हमने पीसीज ले लिया, ऑल्ट सी किया, यहाँ पे पीसीज डाल देंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे अप्लीकेबल रहने देना, आपने इसको यस करना है। इस वाले ऑप्शन को यस करने के बाद सेम वहीं पहुंच जाएंगे हमने, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे उस प्रोडक्ट का नाम डाल देना, रैम डाल देंगे और यहाँ पे उसका जो एचएसएन कोड था वो डाल देंगे। तो यहाँ पे एचएसएन कोड हमने मेंशन कर दिया, यहाँ पे हमने लेना है ऑन वैल्यू। इसके बाद हम लेंगे यहाँ पे टैक्सीबल सेलेक्ट करेंगे, टैक्सीबल के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका परसेंट लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना, हर एक प्रोडक्ट का हमें अलग अलग टैक्स करना है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 18%, एंटर कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पे भी हम गुड्स रहने देंगे, सर्विसेज नहीं करना हमें, इस टाइप से ले लेंगे। यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल करेंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल रहने देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आके हम डालेंगे गोडाउन, गोडाउन हमारा कहाँ है, गोडाउन हमारा है रुद्रपुर, रुद्रपुर में हम डाल दें गोडाउन हमारा है, एक्सेप्ट करेंगे इसको। मेन लोकेशन रहने देंगे, अगर चाहो तो प्राइमरी रहने दो, जैसा आपका है वैसे करना, हम इसको प्राइमरी रहने देंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा क्वांटिटी आ रही है, क्वांटिटी में हम यहाँ पे डाल देंगे कितने कितने पीस लिए, तो हमने ले लिए 15 पीस, एंटर किया। एक रैम का रेट कितना हम डाल दिए, 500 रुपये, एंटर किया और यहाँ पे हमारा रेट आ गया पूरा, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे और एंटर करेंगे, एक प्रोडक्ट हम और ऐड करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे यूपीएस, यूपीएस डाल दिया हमने और यहाँ पे एंटर किया। यहाँ पे हमने वही आपका ले लिया पीसीएस, यहाँ पे यस कर लिया इस वाले ऑप्शन को, सेम हम यहाँ पे यूपीएस डाल देंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे हम ऑन वैल्यू रहने देंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे टैक्सीबल, टैक्सीबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम अपना वो डाल देंगे, टैक्स कितना परसेंट हमारा कट रहा है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे भी हमें टाइप्स ऑफ सप्लाई, सप्लाई में हमें गुड्स को रहने देना, सर्विस नहीं लेनी है, तो यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट रहेगा हमारा, एंटर करेंगे और इसको एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है इसको अप्लीकेबल नॉट अप्लीकेबल रहने देंगे, इसको भी नॉट अप्लीकेबल रहने देंगे। गोडाउन हमारा रुद्रपुर है, रुद्रपुर ले लेंगे, एंटर करेंगे। और यहाँ पे हमारे पीस हमारे पास कितने थे, हमारे पास पीस थे 10, एंटर करेंगे और रेट डाल देंगे, एक का हम डाल दिए 1500 रुपये, एंटर किया और एंटर किया, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये तो हमारे दो प्रोडक्ट हमने बना लिए, दो आइटम हमने यहाँ पे तैयार कर लिए। फिर एंटर करेंगे एक बार। अब यहाँ पे आपने एक बार, यहाँ पे अगर आपने एक आइटम और बनाना है तो यहाँ पे बनाना है, अगर आइटम नहीं बनाना, आइटम बन गए तो एक बार और एंटर करना है, आप नीचे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको जीएसटी क्रिएट करनी है अपने, जैसे हमने ऑल्ट सी किया, ऑल्ट सी करके हम डालेंगे सबसे पहले एस जीएसटी, कैप्स लॉक ऑन करते हैं, एस जीएसटी डाल देंगे हम, डाल देंगे इसका 9% कट रही, तो 9% डाल के हम इसको, या हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, अगर चाहो तो आप डाल सकते हो, हम यहाँ पे परसेंट कर देंगे, 9 डाल देंगे, 9% हमारी जीएसटी कट रही है, एंटर करेंगे। और यहाँ पे डाल देंगे हम इसको डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, एंटर करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे जीएसटी, एंटर करेंगे। यहाँ पे ले लेंगे हम कौन सा है हमारा स्टेट टैक्स है, तो हम इसको ले लेंगे, एंटर एंटर करेंगे और यहाँ पे ले लेंगे 9%, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे, एंटर। अब यहाँ पे ये अमाउंट अपने आप नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे रीड नहीं कर रहा होगा, इसको हम कंट्रोल एंटर करेंगे और यहाँ पे आके इसको हटा देंगे, यहाँ पे अदर रहने, एंटर एंटर करेंगे, हम कोई परसेंट वगैरह नहीं डालेंगे, एंटर कर लेंगे, एंटर और एंटर, यहाँ पे अमाउंट अपने आप आ जाएगा, वो वहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया था इसलिए वहाँ पे शो नहीं कर रहा था। तो आपका ध्यान रखना, अगर आपका अमाउंट अपने आप आ जाए तो आपका आपने पूरा प्रोसेस सही किया, अगर गलती से भी आपका अमाउंट यहाँ पे शो नहीं करता है तो आपके प्रोसेस, आप चाहो तो जितने टैक्स चाहो उतने टैक्स लगा सकते हो, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। डेट की प्रॉब्लम है तो इसको हम आपको प्रिंट करके दिखाएंगे, इसके इसके लिए हम ऑल्ट के साथ पी दबाएंगे और एस करेंगे, तो यहाँ पे हमारा सॉरी इसको हम थोड़ा बैक करेंगे, प्रिंट में उसमें सेव में चला गया, सेव मोड में ऑल्ट के साथ पी करेंगे और इसको हम ले लेंगे, विद प्रीव्यू कर हटा देंगे, यहाँ पे नो प्रीव्यू कर देंगे, तो हमारे यहाँ पे प्रिंट आ जाएगा। आप देख सकते हो इस टाइप से आप जीएसटी वाले बिल बना सकते हो, आप यहाँ पे जीएसटी इंक्लूड कर सकते हो इस टाइप से।